इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट आईडी कार्ड, ये जो आईडी कार्ड आप दिख रहा है, इस तरह से आप ऐसे डिजाइन कैसे कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको कुछ ही 2 से 4 मिनट में ऐसे वो आईडी कार्ड आप डिजाइन कर सकते हैं। तो वीडियो में ज़्यादा देर नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले न्यू पेज लेना है आपको। हम यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और ब्लैंक वाले ले लेते हैं। ब्लैंक वाले लेने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जा कर के और एक शेप ले लेंगे जिसमें आपको ड्रॉ करना है। हमने ये वाला शेप ले लिया और कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से येलो बटन से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना गोल है। तो मैं इसको जो है इसका कोने है ना कम ही रखना है, मुझे ज़्यादा नहीं रखना है। इस तरह से आप करने के बाद आपको एक शेप लेना है यहाँ पर। दूसरा शेप मैं इसमें से कोई भी डिजाइन कर सकता हूँ, इसे मैं ये वाला ले लेता हूँ शेप, ये मुझे बेटर लगा। तो मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने डिजाइन कर लिया ये वाला शेप। और इसको डिजाइन कर दिया और ये फिर येलो बटन दिख रहा है, इससे आपको शेप को यहाँ तक ऐसे करके ला सकते हैं। जैसे आपको चाहिए, जितना भी चाहिए उतना ही आप यहाँ पर टेढ़ा रहेगा। और इसमें इसके बाद हमें क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे एक शेप ले लेते हैं और यहाँ से कुछ इस तरह से इतना और शेप को इसका भी कोने को थोड़ा कम कर देते हैं, या कोने आपको जितना रखना है उतने हिसाब से आप रख सकते हो। इसमें आपको कोई भी कलर करना है तो मैंने ब्लैक कर दिया। ब्लैक है तो ब्लू है ये, तो मैंने ब्लैक ब्लू ही सही रहेगा वैसे, लाइट ब्लू डार्क ब्लू ही बेटर रहेगा हमारे लिए। और इसमें भी डार्क ब्लू हम कर देते हैं। आउटलाइन को नो कर देंगे यहाँ से, इसमें नो आउटलाइन और इसमें भी नो आउटलाइन, बेटर दिखेगा। इसके बाद क्या कर रहे हैं, जिसमें फ़ोटो लगाना है आपको उसके लिए एक शेप लेना है यहाँ से और इस यहाँ पर आपको ड्रॉ कर देना है वो फ़ोटो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें फ़ोटो लगाने के लिए आपको शेप फिल में आना है और सेव फिल्म आने के बाद पिक्चर में जाना है। और पिक्चर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर वर्क ऑफलाइन पर क्लिक कर देंगे। हम ऑफलाइन से पिक्चर लेते हैं। हमारे फ़ोटो जो है डेस्कटॉप पे है स्टूडेंट की, और यहाँ पर मैंने ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लिया। ये फ़ोटो थोड़ा डार्क है, इसको लाइट करने के लिए यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट आ रहा है। पिक्चर फॉर्मेट पर क्लिक करके इसका ब्राइटनेस थोड़ा हम बढ़ा देंगे इसका। और ये बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो गया, यहाँ से जितना भी ब्राइटनेस आपको बढ़ाना है बढ़ा सकते हो आप यहाँ से। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। इंसर्ट पे आएंगे और इंसर्ट पे आने के बाद टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स में आने के बाद इसमें से मैं क्या करूँगा, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे आऊँगा और यहाँ से हमने यहाँ तक को ड्रॉ कर लिया। तो ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप जो है आउटलाइन मुझे नो कर देना, यहाँ पर शेप आउटलाइन आ रहा है इसको नो आउटलाइन कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, और नाम लिखने के बाद आप टैब बटन का यूज करोगे तो बिल्कुल क्लियर और आगे आएगा ऑप्शन। जैसे कि मैं यहाँ पर स्पेस लेने के लिए टैब का यूज करूँगा, वैसे स्पेस से भी आगे हम बढ़ा सकते थे, मगर टैब से क्या होगा कि आगे आगे जो है ना सभी का, जिसने 2 बार टैब मैंने इसमें मारा है तो इसमें भी 2 बार दबाऊँगा तो इसके बराबर आएगा, स्पेस से आगे पीछे हो जाता है। यहाँ पर क्लिक करके और AMN अमन KUMAR कुमार मैंने लिख दिया। और इसके बाद इसके नीचे हमें दूसरा इसका SO सन ऑफ, इसमें भी टैब दबा देंगे 2 बार और यहाँ पर लिख देंगे जो भी है राहुल वर्मा। इसके बाद आपको यहाँ पर CLASS क्लास, इसके लिए डबल टैब, और इसके बाद यहाँ पर 10th 12th जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। मैंने TH लिख करके, और इन दोनों TH को आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। और अगर आप दूसरे तरह से इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कर आपको कई बार होता है इसको सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट में क्लिक करके शिफ्ट दबा के, और जो ये 4 एरो होता है कीबोर्ड में, ये कीबोर्ड में ये लेफ्ट वाला एरो पर क्लिक करना है तो आपको इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना है, एक शॉर्टकट के कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल, तो उससे आपको ऊपर चला जाता है। इसका दूसरा ऑप्शन भी है, आप यहाँ होम पर जा करके इस पर क्लिक कर दोगे जो है सुपर स्क्रिप्ट पे,
तो उससे भी हो जाता है आपका। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर फिर दोबारा क्लिक करके और एंटर मार के आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर ADD एड्रेस और यहाँ पर डबल टैब, फिर जाके आपको यहाँ पर जी जो भी लिखना है आप वहाँ पर लिख सकते हो, गाजियाबाद UP, और जो भी पिन कोड है मैं ये भी पिन कोड भी यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर इसके आगे जो है आपको लिखना है एड्रेस हो गया, इसके बाद मोबाइल नंबर और डबल टैब, और यहाँ पर आपको जो भी मोबाइल नंबर उसका है आपको डाल देना है। नेक्स्ट आएगा बैच सॉरी इसके बाद यहाँ पर ये देखिए स्पेस हमारे पास ज़्यादा नहीं होता, इसका क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर आएंगे स्पेसिंग पे, तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक पर क्लिक कर देंगे और इस पर आके रिमूव स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ क्लिक करें, तो ये देखिए कितना हो गया, तो इसके मतलब कम ही ज़्यादा ही टच हो गया एक दूसरे के। तो आपको फिर दोबारा इस पर क्लिक करके और थोड़ा सा आपको जहाँ जितना चाहिए उतना स्पेस पर क्लिक कर देंगे और बैच यहाँ पर भी क्लिक करके हमने यहाँ पर दे दिया 09 AM 11 AM इस तरह से बैच का। अब इसमें आपको कलर करना है तो आप यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ से अगर मोटा करना है तो इसको मोटा कर देंगे, यहाँ से बोल्ड कर देंगे और इस सब का कलर हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। एक्स्ट्रा आ रहा है तो एक बार हम टैब हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, बैक स्पेस मैंने कर दिया। अब इसके बाद आता है ऊपर जो है कंपनी का नाम लिखना है मुझे या स्टूडेंट आईडी कार्ड लिखना है, बोल्ड में लिखना है तो इसे नॉर्मल आप टेक्स्ट बॉक्स लेके लिख सकते हो, बट मैं एक प्रेफरेंस करूँगा वर्ड आर्ट से लिखना, बहुत अच्छा लिखाएगा आपका। तो वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट आईडी कार्ड और ओके, ये इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वर्ड आर्ट आना है और यहाँ पर पोजीशन पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देना और इसको छोटा कर देना है आपको, आप जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है नीचे कंपनी का नाम और लोगो लगाना। लोगो लगाने के लिए सबसे पहले आपको करना है इनसाइट पर आना है और यहाँ पर आकर के एक शेप गोल वाला मैं लेता हूँ लोगो लगाने के लिए, और यहाँ से ये रहा और इसमें सेव पे आ करके पिक्चर में जा करके जो भी लोगो आपने पहले से बना रखा होगा वो आप लोगो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, आ गया लोगो। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कंपनी का नाम लिखना है तो आप वर्ड आर्ट से लिख सकते हो या फिर टेक्स्ट बॉक्स से भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैं टेक्स्ट बॉक्स का ही यूज करके लिख लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे टेक्स्ट बॉक्स आपको पूरे तरह से, और इसका आउटलाइन में 9 सबसे फिल में 9 कर देंगे और आउटलाइन को भी 9 आउटलाइन कर देंगे, और यहाँ पर आपको लिखना है जो भी आपको चाहिए। ऊपर भी थोड़ा सा इसको हम जगह बना लेते हैं और नीचे भी हम इसको जगह इस तरह से बना लेते हैं, और इसका कलर जो है वाइट कर देते हैं यहाँ से, फॉन्ट कलर वाइट, और इसका नाम को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, और
तो देखिए इस तरह से बना सकते हैं आप स्टूडेंट आईडी कार्ड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब करें और कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।